Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with our chapter number 10, light, reflection and refraction for 10th standard. So, let's begin. Okay, so before moving forward with our next topic, let's take a quick recap of what we have done up till now in this chapter. We have seen, on the first day, we have seen the properties of light. And then we saw what is reflection and what are laws of reflection. And उसके बाद हमने देखा कि उसमें mirrors के बारे में हमने पढ़ा, spherical mirrors, plane mirrors में images की properties देखी. Spherical mirrors में हमने देखा about concave mirror, जिसको converging mirror भी बोलते हैं. And उसमें हमने देखा ray diagrams के rules क्या होते हैं, ray diagrams की position क्या होती है अलग-अलग. नेक्स्ट नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज इट बेसिकली डाइवर्जेस लाइट रेज इट डाइवर्ट्स लाइट रेज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. इसमें भी हमें रूल्स देखना है कुछ और इसमें भी हमें पोजिशन देखनी है ऑफ द इमेजेस एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर वी गोइंग टू प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द रूल्स फॉर रे डायग्राम, राइट. अब इसमें भी फोर रूल्स हैं. इफ यू रिमेम्बर कॉनकेव मिरर में भी फोर रूल्स थे. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट रूल. दिस इज आर कॉन्वेक्स मिरर और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, राइट. अब इसमें क्या सिचुएशन है दैट दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड. ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है. And ये अपना principal axis, this is the principal focus and this is the center of curvature that we have seen in concave mirror as well. Now situation is okay, so let's begin. These are the four rules for the ray diagrams in convex mirror. Let's look at the rule number one. This we have a convex mirror and ye wali side jo hai, this side is a reflecting side. Jaisa ki humne dekha tha mirror mein ek reflecting side hoti hai convex mirror mein, this is the reflecting side. Aur since image piche create hoti convex mirror mein, there is virtual image is creating, to wo piche ki taraf create hoti, that is why principal axis is behind the mirror, okay. And ye apna principal focus hai, this is the सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ फर्स्ट रूल में क्या है, अगर फर्स्ट रूल में जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में देखा था दैट लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, सो दिस इज अ पैरेलल लाइट रे. एंड व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, अगर पैरेलल लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस की तरफ जाती है, राइट. अब इसमें क्या हो रहा है, इफ देयर इज अ पैरेलल लाइट रे तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा अपीयर हो दैट ये मिरर के पीछे फोकस से ओरिजिनेट हो रही है. गेट इट, व्हाट्स हैपनिंग कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल आने वाली लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल पे आएगी, जिस एंगल पे फोकस है, फोकस के एंगल पे रिफ्लेक्टेड रहेगी, समथिंग लाइक दिस. दिस इज द प्रोजेक्टेड पाथ. प्रोजेक्टेड पाथ यानी कि वर्चुअल पाथ, राइट, जो कि एक्चुअल में है नहीं, बट अगर यहां से हम लोग देखेंगे इसको तो हमें लगेगा कि ये मिरर के पीछे फोकस से ओरिजिनेट हो रही है. दिस इज द ओरिजिनल पाथ, राइट. ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी, दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकंड रूल इसका ऑपोजिट है कि अगर कोई लाइट रे फोकस के एंगल पे आ रही हो, अगर कोई लाइट रे, इफ अ लाइट रे स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर एट द एंगल ऑफ फोकस व्हिच इज बिहाइंड द मिरर, तो अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हो, राइट, तो क्या होगा, ये अगर लाइट रे फोकस के एंगल पे अगर रिफ्लेक्ट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, तो वो टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी. इधर क्या हो रहा था, पहले पैरेलल और फिर फोकस के एंगल से रिफ्लेक्ट. इसमें क्या, पहले फोकस के एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट, ओके. दिस इज द सेकंड रूल. नाउ थर्ड रूल. Third rule is quite simple.
just similar as that of the concave mirror. अगर कोई light ray direct pole पे, see this is the pole, this is the pole. अगर कोई light ray direct pole पे incident होती है at an angle, तो जिस angle पे वो incident हुई है, उसी angle से वो वापस reflect भी हो जाएगी. This is where our first law of reflection comes in play. Angle of incidence will be equal to angle of incidence will be equal to angle of reflection. This is the third rule, right? And the fourth rule, अगर कोई light ray direct center of curvature के angle पे incident हो रही है on the reflecting surface, if a light ray is incident at an angle of center of curvature, तो वो अपने ही path में वापस return हो जाएगी. This is the same as what we saw in the concave mirror. Alright? So these are the four rules that we need to remember while we are drawing our ray diagrams for convex mirror. Now let's look at the ray diagrams. Basically there are two positions of ray diagrams that we need to look at for convex mirror. So let's look at the ray diagrams or the positions of object, different positions for convex mirror. There are basically two positions that you need to look at. Let's begin. So this is the first position. Object is at infinity, just like at concave mirror. And हमें पता है जब object infinity पे होता है तो उससे rays कैसी आती है, parallel आती है. So this is our convex mirror. This is the principal axis, center of curvature, focus and pole. अब क्या है, जब object infinity पे होगा तो rays कैसी आती है, parallel आती है. So these are two parallel rays which are striking the convex mirror. अब क्या होगा, हमने हमारे जो फर्स्ट रूल था उसमें पढ़ा था कि अगर कोई रे पैरेलल स्ट्राइक करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर स्ट्राइक करती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन वो कौन से एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस के एंगल से. तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि जो मिरर है उसके पीछे फोकस से लाइट रेस आ रही है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर एट विच द वर्चुअल इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हम लोग रखते हैं तो. सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक द फर्स्ट रूल ऑफ द रे डायग्राम्स. सो ये चीज आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए ध्यान रखनी है. एंड सिंस यहाँ पर इमेज अपनी क्रिएट हो रही है फोकस पे, तो अब सबसे पहले तो हम इसकी पोजिशन देते हैं. इफ यू रिमेंबर, हम कुछ मेन चीजें जो बताते हैं अबाउट द इमेज, एक तो हम बताते हैं लोकेशन, एक हम बताते हैं उसका साइज, और एक हम बताते हैं इज इट वर्चुअल और इरेक्ट और रियल और व्हाटएवर. अब इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है इज द लोकेशन. तो लोकेशन कहाँ है, ये एट एफ बिहाइंड द मिरर, जो एफ है वहां पर इमेज फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हम रखते हैं तो. सेकेंड चीज, हमें पता है कि ये डाइवर्जिंग रेज है, तो डाइवर्जिंग रेज कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं. एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर लिखा वर्चुअल एंड इरेक्ट. और थर्ड चीज, ये कैसी है पॉइंट साइज, हमने पहले भी डिस्कस किया कॉनकेव मिरर के टाइम पे भी कि जो पॉइंट साइज इमेजेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज व्हाई दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हो. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ठीक है, ये तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे. अब ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, हमने लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है. अब अगेन हमें पता है हम ऑब्जेक्ट से कितनी रेज लेते हैं, दो रेज लेते हैं. पहली रे जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर इज गोइंग टू बी पैरेलल, और जो पैरेलल होगी रे वो कैसे जाएगी, फोकस के एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी. सो ये पहली रे जो गई है यहाँ से, ये किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, फोकस के एंगल से, राइट. और सेकेंड रे का आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेकेंड रे इज गोइंग टू स्ट्राइक एट ए पॉइंट और एट एन एंगल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. आपको स्केल बहुत प्रॉपरली यूज करना है इन सारे रे डायग्राम्स में, कि आपको क्या करना है कि जो इमेज जो सेकेंड रे है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल से वापस रिफ्लेक्ट करनी. और हमारा जो रूल था उसमें क्या था, यही सिचुएशन थी
कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल पे स्ट्राइक करती है तो उसी पाथ में वापस रिटर्न हो जाएगी. सो आफ्टर लुकिंग एट द रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यू हैव टू ऑल्सो हैव टू लुक एट द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विच यू विल फाइंड इन योर नोट्स. नाउ वट वी हैव टू लुक एट नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन फॉर रे डायग्राम्स. नाउ वट इज दिस साइन कन्वेंशन? एक्चुअली यू विल हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दोज न्यूमेरिकल्स आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी. एंड नाउ ये जो वैल्यूज हैं दीज विल बी यू वी एफ आर. ये जो वैल्यूज है जो हमने देखी थी स्टार्टिंग में, जैसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में और उनको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ फॉर दिस पर्पस हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वैल्यू जो हम पुट करेंगे दीज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. क्योंकि इफ़ यू कैन रिमेंबर कार्टेशियन एक्सिस, राइट, कार्टेशियन एक्सिस या कार्टेशियन लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते टाइम हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं मेन, राइट. तो वो उसी के बेसिस पे ही हम लोगों को ये यू वी एफ और आर इनको प्लेस करना है और इनकी इनका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिसाइड करनी है. सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है बाद में इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू इट. सो जस्ट ट्राई टू कीप योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टॉपिक. ओके, सो द साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स. अब ये हमारे पास एक काइंड ऑफ एक फिगर है, इसमें ये जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हो, जो सेंट्रल ये वर्टिकल लाइन जो है, दिस इज बेसिकली कुड बी कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और इवन प्लेन मिरर भी हो सकता है. एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस जो कि हम लोग सारे मिरर्स के अंदर देखते हैं. अब सिचुएशन ये है कि एक मैं आपको एक बेसिक चीज़ ये बता दूँ कि ये चार क्वाड्रेंट्स हैं और ये चारों क्वाड्रेंट्स इफ़ यू रिमेंबर हाउ द क्वाड्रेंट्स इन ग्राफ्स वर्क, दे ये दोनों क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव होते हैं और ये दोनों क्वाड्रेंट्स नेगेटिव होते हैं. सो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के कंपैरिजन में हम लोग चीज़ों को देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग इफ़ यू नो और इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करते हैं. ऑब्जेक्ट की हाइट जो है दिस बेसिकली इज पॉजिटिव. जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी बिकॉज ये जो एक्सिस है, ये जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस जाएंगे ना, जितने भी डिस्टेंसेस से ऊपर जाएंगे वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे. नाउ दिस इज ए डिस्टेंस और दिस इज बेसिकली ए हाइट गोइंग अपवर्ड ऑफ दिस एक्सिस, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. सेकेंडली कॉनकेव, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर के फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं. पहले कॉनकेव मिरर के फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं. अब कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती है, कैसी होती है, इन्वर्टेड. तो अब ये नीचे आ रहा है, राइट, इस एक्सिस से नीचे जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो सारे कैसे कैसे होंगे, नेगेटिव. सो दैट मींस कॉनकेव मिरर में एच ओ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कैसी होती है, पॉजिटिव, और एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव. ये तो पहली चीज है. ओके, सेकेंडली कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होता है और इस तरीके से, तो लेट्स से यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है जस्ट फॉर एग्जांपल सेक, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ होता है और ये जो डिस्टेंस होता है ये नेगेटिव होता है. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी हमने क्या बोला, ये जो एक्सिस है इससे ऊपर जितने भी डिस्टेंस जाएंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव, और इससे नीचे जितने भी जाएंगे सब नेगेटिव, राइट. ये तो इस एक्सिस की बात हुई, और ये वाली जो एक्सिस है यानी कि ये जो अपना मिरर होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इस साइड जितने भी डिस्टेंसेज आएंगे ये सब नेगेटिव होंगे और इसके इस साइड जितने भी डिस्टेंसेज आएंगे ये सब पॉजिटिव होंगे. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, तो इस साइड को हम लोग कुछ नहीं फिलहाल छेड़ रहे. तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, राइट. एक और चीज जो हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं वो है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर,
and radius of curvature will also be negative. So radius of curvature will be negative. Now next चीज जो हमें देखनी है वो ये है, this object के distance को हम लोग क्या बोलते हैं, u, और u भी कैसा आएगा, negative आएगा. और ये जो है इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, v, और v भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. सो u इज नेगेटिव और v इज आल्सो नेगेटिव. ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर के केस में. अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. इफ यू रिमेंबर हमारी जो लास्ट पोजीशन थी जहां पर इमेज इस साइड बन रही थी, इमेज वॉज बेसिकली वर्चुअल, है ना, तो वो मिरर के पीछे बन रही थी. And if it was virtual, then it was also erect, right? तो उस केस में आपका जो v है, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? और जो hi है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये तो आपको जनरल केस में ध्यान रखना है. और वो जो एक्सेप्शन है, दैट इज द लास्ट पोजिशन, उसके लिए आपको सिचुएशन ध्यान रखनी है रिवर्स. hi की पॉजिटिव हो जाएगी और v जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज द केस विथ कॉनकेव मिरर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अब सिचुएशन कुछ चीजों में सेम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स मिरर हो तब भी ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखते हैं, राइट? अगर ये आप कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, ये अगर आप कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, तो ऑब्जेक्ट तब भी हम इधर ही रखेंगे, यानी कि यहाँ पर. और दूसरी बात, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तब भी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इसी तरीके से लेते हैं, चाहे से कॉन्वेक्स हो तब भी. तो यानी कि सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव. सेकंड चीज क्या है, हाइट ऑफ इमेज. अब हाइट ऑफ इमेज हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बन रही थी, वर्चुअल और इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब इस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही थी, राइट? तो ये अगर इरेक्ट इमेज है तो दैट मींस अभी डिस्टेंस कैसे जा रहा है, इस एक्सिस से ऊपर जा रहा है ना, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव. नेक्स्ट है फोकल लेंथ. अब इमेज इस साइड फॉर्म हो रही है, इमेज इस साइड फॉर्म हो रही है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैसा आएगा, अब ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस एक्सिस से इस साइड जितने भी डिस्टेंस जा रहे हो क्या जा रहा है, पॉजिटिव. सो दैट मींस योर फोकल लेंथ बिकम्स पॉजिटिव. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब ऑब्वियसली ये हमारा सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो रेडियस भी इधर ही आएगा, राइट? और रेडियस अगर इधर आया तो ये रेडियस कैसा हो गया, अब ये भी पॉजिटिव हो गया. ओके, इसके बाद है यू. यू का मतलब इमेज डिस्टेंस. अब इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा चाहे से कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो इसी साइड रखते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड दिस साइड ऑफ द मिरर, वेदर इट इज कॉनकेव, वेदर इट इज कॉन्वेक्स, डज नॉट मैटर्स. तो अगर इस साइड हम लोग रख रहे हैं मिरर के, सो दैट मीन्स यू कैसा हो गया, नेगेटिव. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन बोथ द केसेस ऑफ मिरर, है ना? और लास्ट चीज है वी. अब ऑब्वियसली इमेज इस साइड बन रही है, तो जो वी होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. सो दैट इज व्हाई यहां पर हम लोग लिख रहे हैं पॉजिटिव. ठीक है, सो इफ यू लुक एट इट क्लोजली, तो कॉनकेव मिरर में जनरली फॉर एक पोजिशन को छोड़ के सारी पोजिशन में सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. एक पोजिशन को छोड़, दैट इज द लास्ट पोजिशन. और कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव है, जस्ट एक चीज को छोड़ के, दैट इज यू. ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट हम लोग इसी साइड रखते हैं, इसलिए. सो ये आपको ध्यान रखना है, दिस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपको ध्यान रखना है. और इसमें वो चीज भी ध्यान रखनी है,
कि मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देता हूँ, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये वाली पूरी कंडीशन जनरल उसके लिए है, लेकिन एफ और पी में दो चीज चेंज हो जाती है, इसमें से एक ये और एक ये आप लोगों को देखना है और ध्यान रखना है, राइट? सो दिस वाज द साइन कन्वेंशन। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है टू रिमेम्बर, और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं, जनरली कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में भी ये चीज काम में आती है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, विच इज मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। हमने जब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वी सॉ वन प्रॉपर्टी दैट वहाँ पर मैग्निफिकेशन जो होता है वो 1:1 होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन इज बेसिकली अ रेशो। किसका रेशो? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन ही ध्यान रखनी है, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी। इट इज बेसिकली जस्ट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसा कुछ खास प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, बट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इन दिस। ओके, सबसे पहली बात तो हम मैग्निफिकेशन को शो करते हैं लेटर एम से, ठीक है, सिंबल एम से हम लोग इसको शो करते हैं। और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यूज आती हैं सच एज माइनस में आती हैं, कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, एंड कुड बी 0.1, 0.2, कुड बी 3, कुड बी 4, कुड बी 2, दिस काइंड ऑफ वैल्यूज आर बेसिकली देयर। अब इसमें हमें ये मतलब समझना है कि मैग्निफिकेशन के वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स का मतलब क्या होता है, एंड ये जो नंबर्स हमें मिल रही हैं, जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, इनका मतलब क्या होता है। ओके, देखो सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर इफ इट इज इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो इमेज की हाइट मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के इक्वल। यू विल फाइंड ऑल दिस इन योर नोट्स। सेकंड चीज, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेट्स से ग्रेटर देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इमेज कैसी है, इमेज इज एनलार्ज्ड। अगर एम की वैल्यू लेट्स से 1.1, 1.2 या 2 या 3 ऐसे कुछ आ रही है तो मैग्निफिकेशन इमेज कैसी हो गई, एनलार्ज हो गई। और अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि लेट्स से 0.8, 0.9 इस तरीके से है, तो क्या हो जाएगा, इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, ये तो बात हुई वैल्यूज की। अगर इक्वल टू 1 है दैट मींस दोनों की हाइट इक्वल है, अगर ग्रेटर देन 1 है दैट मींस इमेज की हाइट ज्यादा है, अगर लेस देन 1 है दैट मींस इमेज की हाइट कम है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। सेकंड चीज, अगर इमेज में मैग्निफिकेशन में अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है दैट मींस इमेज कैसी है, इरेक्ट है। एंड m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो इमेज क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे m इज इक्वल टू -1 है, तो ये और ये आपको दोनों अलग अलग फॉर्म में देखना है। -1 वैसे तो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, लेकिन माइनस और 1 को आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू में सेपरेट फॉर्म में देखना है, बिकॉज दीज टू आर बेसिकली गिविंग यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। जैसे माइनस तो क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, राइट? और 1 क्या शो कर रहा है कि इमेज की हाइट कैसी है,
इक्वल है टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन माइनस वन आता है तो आपको बताना है कि इमेज इज इन्वर्टेड एंड इट हैज द सेम हाइट एज ऑफ ऑब्जेक्ट. एक और एग्जाम्पल से इसमें लेते हैं हम लोग, जैसे m इज इक्वल टू 0.4 है. अब m इज इक्वल टू 0.4 लेट्स से पॉजिटिव भी हम लोग इसमें डाल देते हैं. एंड अब m इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव 0.4 तो इसको भी आपको अलग से देखना है और इसको भी अलग से देखना है. सो पॉजिटिव का मतलब तो क्या हो गया, इमेज कैसी है, इरेक्ट है. यानी कि इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, जो वर्चुअल होती है. और 0.4 का मतलब लेस देन 1, यानी कि ये इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है. राइट तो इस तरीके से आपको ये मतलब ये बता रहा है दिस वैल्यू कि इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इमेज इज डिमिनिश्ड. ये चीजें आप लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन वैल्यू. लास्टली मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम लोग देख लेते हैं. एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. ये फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान रखना होगा मैग्निफिकेशन का. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. दिस यू नीड टू रिमेंबर इफ कभी भी आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी रही तो ये आपको काम में आएगा. नाउ लेट्स लुक एट मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ए सिंगुलर फॉर्मूला. जहां पर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मिरर फॉर्मूला के केस में. 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी. तो यहां पर एफ आपका हो गया फोकल लेंथ, यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी हो गया इमेज डिस्टेंस. राइट सो ये मिरर फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है. एंड मैग्निफिकेशन के बारे में ध्यान रखना है. दिस इज द हाफ वे पॉइंट ऑफ द चैप्टर. अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है यू मस्ट कीप ऑल ऑफ दैट इन योर माइंड एंड मेक श्योर यू रीड द नोट्स प्रॉपरली, मेक श्योर यू वॉच द प्रेजेंटेशन प्रॉपरली. एंड जो रिमेनिंग पार्ट है we are going to start in our next class. Remember to study well and have a good day.